News 18, India. खाली के मामले में सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि संदेश खाली मामले की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। बीजेपी ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भी ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो पूरी जांच संदेश खाली की सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनआईए को सौंपी जा सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने संदेश खाली का दौरा करने के बाद बहुत बड़ा बयान दिया है। रेखा शर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इससे पहले इतना दर्द संदेश खाली के अलावा कहीं भी नहीं देखा गया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन है रेखा शर्मा और संदेश खाली का उन्होंने दौरा किया और दौरे के बाद एक बड़ा बयान वो देती है जिसमें ममता बनर्जी को सीधे निशाने पर लेते हुए रेखा शर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी को अब अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, इससे पहले इतना दर्द संदेश खाली के अलावा कहीं पर भी नहीं देखा गया। मुझे लगता है उनको रिजाइन कर देना चाहिए और बिना एक पोस्ट के अगर वो यहाँ आए तो महिलाओं का दर्द समझ पाएंगी, इससे पहले मैंने इतना दर्द कहीं नहीं देखा। संदेश खाली हिंसा पर संग्राम छिड़ा है, सियासी बयानबाजी जारी है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार निशाने पर है क्योंकि अब तक संदेश खाली को सुलगाने वाला शेख शाहजहां फरार है। शाहजहां शेख संदेश खाली में कहां छिपा बैठा है, उसे किसने शरण दे रखी है, कब शिकंजे में वो आएगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर आशिका सिंह की संदेश खाली में की गई ग्राउंड रिपोर्ट में सन्न कर देने वाला सच पर्दाफाश हुआ है, जहां स्थानीय महिलाओं ने पुलिस पर गुस्सा उतारा है। পুলিশ প্রশাসন বলে দাদাদের কাছে দাও, দাদাদেরকেই তো আমরা ভয় পাই, দাদাদেরকে তো ভয় পাই আমরা, আমরা কোথায় আমরা এফআইআর করব? এরা কত কি অন্যায় করেছি, আমরা দেশের কাজ করতে কি আমরা অপরাধ হচ্ছি, দেশের অন্যায়কে প্রতিবাদ। আমাদের সব বিক্রি হয়ে গেছে, সব বিক্রি হয়ে গেছে। यहाँ बहुत बुरी हालत है, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा। संदेश खाली में आंसू अंगारे बन गए हैं। वैराग्य तो कि अन्याय করেছি আমরা, দেশের কাজ করতে কি আমরা অপরাধ হচ্ছি, দেশের অন্যায়কে প্রতিবাদ করতে কি অন্যায় করছি। দিদি কি বুঝতে পারছে না, संदेश खाली आंदोलन आक्रोश की हद पार हो गई है। काले मुख ढक बे हनी हुआते सुंदर बन के स्थानीय लोग ही की ताले हनी काले हनी मुख ढक बे हनी घर तो संदेश खाली ताले बहिरा को तो हनी के कहाय होत। शेख शाहजहां की फरारी टीएमसी पर पड़ेगी बहुत भारी। यहाँ बहुत बुरी हालत है, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा, क्योंकि पुलिस से भी डर है। संदेश खाली का खलनायक कब तक रहेगा अंडरग्राउंड? जो बोल रहे ममता बनर्जी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। ममता बनर्जी बोले एफआईआर क्यों नहीं हुआ, खुद महिला लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पुलिस के सामने जाते हैं तो पुलिस बोलते हैं वहां से परमिशन लेके आओ, जहां पे तुम जो लोग उसको रेप किया है तो आप बोलिए जो लोग रेप किया है वो लोग उसको परमिशन देंगे, तो पुलिस के जाके हमारा एफआईआर दर्ज करो। संदेश खाली का सच सुन सिहर उठा है देश। अत्याचारी शाहजहां शेख की फरारी पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छुट्टा घूम रहा शाहजहां शेख ना जाने क्या कर रहा होगा। इधर संदेश खाली का कोहराम है, दर्द है, आंसू है और है असीम पीड़ा। इन महिलाओं के ना आंसू थम रहे हैं, ना ही आदताई को कोसने का सिलसिला रुक रहा है, क्योंकि संदेश खाली की रूह कपाने वाली हकीकत ने पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है। सुप्रीम अदालत से लेकर बंगाल के कोने कोने तक जिस संदेश खाली की चर्चा है उस पर सीधा जवाब किसी के पास नहीं। आखिर है कहां शाहजहां शेख, आखिर सामने क्यों नहीं आ रहा संदेश खाली का विलन?
आखिर कौन बचा रहा है शेख को? क्या संदेश खाली में सफेद पोष बनकर दादागिरी जमाने वाला शाहजहां शेख इतना ताकतवर है कि उस तक कोई पहुंच नहीं सकता, या फिर शाहजहां शेख को शिकंजे में लेना ही नहीं चाहती बंगाल की टीएमसी सरकार? ये जितने भी सवाल हैं उनका जवाब सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं। ममता बनर्जी से संदेश खाली की महिलाएं बेहद खफा हैं। खफा इस बात पर कि एक तो उन्होंने शाहजहां शेख का टॉर्चर झेला, उस पर महिलाओं को ही बाहरी बताया जा रहा है। सुनिए ममता बनर्जी के बयान के बाद बिलखते हुए क्या क्या बोल रही है ये दुखियारी महिलाएं। वो बयान जिसमें उन्होंने ये कहा कि संदेश खाली में बाहर से लोगों को लाया जा रहा है जिन्हें मुंह ढककर बात कराया जा रहा है, ये वहां की महिलाओं को नागवार गुजरा। महिलाओं ने नाराजगी जताते हुए ये तक कह दिया कि ममता बनर्जी खुद क्यों नहीं आ जाती हैं और आकर ये देख लें कि कौन बाहरी है और कौन वहां का रहने वाला। टीएमसी सरकार पर संदेश खाली की घनघोर अनदेखी के आरोप एक सुर से लग रहे हैं। संदेश खाली में महिलाएं जान का जोखिम उठाकर इस गुस्से का इजहार कर रही हैं, क्योंकि शाहजहां शेख अब तक फरार है, उसकी किसी को कोई खबर नहीं। वो कब क्या करवा दे किसी को नहीं पता। शाहजहां के अत्याचारों को याद कर सिहर जाती हैं संदेश खाली की तमाम महिलाएं। जिस पर संदेश खाली को आग में झोंकने के आरोप हैं, जिस पर महिलाओं पर अत्याचार के संगीन आरोप हों, जिसके क्राइम कुंडली में घिनौने आरोपों की लिस्ट का कोई और छोर नहीं, उसके खिलाफ हल्ला बोलने के लिए अब शुभेंदु अधिकारी को भी इजाजत मिल गई है। हालांकि बीजेपी लीडर ने यह भी आशंका जताई है कि संदेश खाली तक उन्हें पहुंचने नहीं दिया जाएगा। मातृशक्ति है, देवी शक्ति है, लेडीज लोग है, उनका साथ देना हम लोग का ये ड्यूटी है। हम लोग 10 तारीख से कोशिश कर रहा है, हम लोग का उम्मीद है कल हम लोग का जो कोशिश इतना दिन चल रहा था कामयाबी मिलेगा। नहीं, कोर्ट बोला है मैं जाऊंगा, पूछ पाएगा नहीं तो कल देखा जाएगा। भाई पहले से कैसे बोलूं। संदेश खाली के शेख की करतूतों से टीएमसी को भारी चुनावी नुकसान का अनुमान लग चुका है। इसीलिए ममता सरकार ने संदेश खाली में कैंप लगाकर महिलाओं को उनकी जमीन लौटाने, उनके पैसों का हिसाब भी शुरू कर दिया है। हालांकि टीएमसी सरकार की सारी कवायद को स्थानीय ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। दे भी क्यों, जब जुल्म हो रहा था, जब शाहजहां शेख इन महिलाओं को जीने नहीं दे रहा था, तब कोई बचाने नहीं आया। जाहिर है जख्म पर मरहम रखने की तमाम कोशिशें इसीलिए बेमानी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में ये कहा था कि संदेश खाली तो आरएसएस का बंकर बन गया है, लेकिन उसके बाद उनके रुख में नरमी आई और उन्होंने ये कहा कि जिससे भी जो कुछ भी लिया गया है वो उनको वापस जरूर किया जाएगा। हालांकि फिर भी बीजेपी को ही इस पूरे घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने ये कह दिया कि मामले को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिला रही हैं। संदेश खाली हिंसा को चुनावी हथकंडा बता रही हैं, लेकिन दीदी के जांच के दावे पर संदेश खाली की महिलाओं को यकीन नहीं हो रहा। यू आर स्नैचिंग द डेमोक्रेटिक राइट, द बेनिफिशियरी इज राइट, वी विल नॉट अलाउ एनआरसी इन बंगाल, प्लीज रिमेंबर, वी आर रेडी टू गिव आवर ब्लड। वक्त रहते समाधान होता तो ये नौबत आती क्यों? संदेश खाली में शाहजहां शेख का रुतबा क्या था? उसकी धौंस जमाने की लिमिट क्या थी? उसके गुर्गों का आतंक क्या था? वो कितने बेखौफ थे, कितना रुआब झाड़ते थे? इससे ऐसे समझा जा सकता है कि जब संदेश खाली पर बवाल खटा, प्रदर्शन शुरू हुए, शाहजहां शेख फरार हो गया, तब भी उसके गुर्गे घूम घूम कर इंटरव्यू दे रहे थे। उत्तम सरदारा हो या शिबू हाजरा, इनकी हेकड़ी दिखाने की आदत की एक झलक देखिए।
न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दोनों का बड़बोलापन सुनिए। অত্যাচার করেছি এরকম প্রমাণ থাকলে আইনত যা শাস্তি দেবে সেটা আমি মাথা পেতে নেব। সিপিএম এরা যৌথভাবে পরিকল্পনা করে একটা মহিলাদেরকে অসম্মান করানো, যেটা করছে এটা মহিলাদেরকে অসম্মান করা হচ্ছে। এরা এই রাজনীতি নোংরা খেলায় নেমে পড়েছে। সরকার কি গ্রেফতারি কে বাদ ভি শিবু হাজরা লগভগ এক হফতে তক ইলাকে মে আরাম সে ঘুম রহা থা, বেখৌফ হোকর ইন্টারভিউ পর ইন্টারভিউ লে রহা থা, লেকিন অন্ততঃ উসে ভি পুলিশ নে গ্রেফতার কিয়া। शेख और उसकी गैंग ने संदेश खाली में शाम ढलने के बाद गांव की महिलाओं का जीना दुभर कर रखा था। आरोप तो ये भी है कि ये सभी महिलाओं की पार्टी की मीटिंग के नाम पर रात 12 बजे अपने ऑफिस में बुलाते थे। जब महिला आयोग की टीम संदेश खाली पहुंची तो महिलाएं अपनी व्यथा सुनाकर रोने लगी। जब गवर्नर सीवी आनंद बोस संदेश खाली पहुंचे थे तब भी शाहजहां शेख का काला सच सामने आया, लेकिन जैसे ही हंगामा हुआ शाहजहां शेख ने सीक्रेट अड्डे पर डेरा डाल लिया। उत्तम सरदार और शिबू हाजरा तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि संदेश खाली का बेताज बादशाह यानी कि शेख शाहजहां आखिर कहां छुपा है। सवाल ये है कि क्या वो बांग्लादेश भाग गया है या फिर जैसा कि विरोधी बता रहे हैं वैसे कि वो संदेश खाली में छुपा हुआ है और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। शेख शाहजहां कहां छिपा है? क्या मछली मंडी में अंडरग्राउंड है शेख, या बॉर्डर पार तो नहीं भागा शेख शाहजहां? शेख का गुर्गा बताएगा अड्डा। शाहजहां शेख के क्राइम पार्टनर उत्तम सरदार और शिबू हाजरा पुलिस को उसके सीक्रेट अड्डे तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि इन दोनों को सब कुछ पता है, लेकिन पुलिस तफ्तीश सही से करे तब। शाहजहां शेख को पकड़ना इतना आसान नहीं क्योंकि उसका अतीत ऐसे ना जाने कितने क्राइम चैप्टर से पटा पड़ा है। 42 साल का शाहजहां शेख उत्तर 24 परगना में भाई के नाम से कुख्यात है। उसके इशारे पर ही राशन घोटाले की जांच करने पहुंची ईडी और सीआरपीएफ टीम पर हमले किए गए। कभी मच्छी मारने वाला शेख 2004 में ईंट भट्टा यूनियन में पैर जमा लेता है, जिसमें उसकी मदद रिश्ते में मामू लगने वाले सीपीआईएम के ग्राम पंचायत प्रमुख मामू मुस्लिम शेख करते हैं। मामू के दम पर शाहजहां शेख भी जल्द सीपीआईएम के मजदूर यूनियन का लीडर बना दिया जाता है। 2011 में शेख शाहजहां ने सीपीआईएम छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया। शाहजहां शेख को अपनी